हाँ जी, जय श्री साराय श्री संता सेवकानु। मैं पास्टर कुलवंत राय कल्याणा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। सो एक विशा लैके तुहाडे सामने अज फिर एक हाजिर होए हैं। सो मैं एक वीडियो वेखी सी जो तुहानू दिखा दिंदे हैं। लोगों के लिए एक इतना खास मैसेज होगा हॉली कम्युनियन का, प्रभु भोज का, जिसको उर्दू में बोलते पाक शराकत। उस पर मैं स्पेशल एक मैसेज दूंगा और साथ में पवित्र आत्मा ने, खुदा ने मुझे लोगों को मिठाई देने के लिए कहा है। हर एक जन जो मीटिंग में आएगा वो लोग एक पीस मिठाई खाएंगे और स्पेशली मुझे आत्मा ने अगुवाई की है और उस मिठाई के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस और सामर्थ काम करेगी। और जैसे किसी को बेबी नहीं है तो वो ब्लेस होगा, हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको आज़ाद करेगा, वो हील होंगे, डिलीवर होंगे। सो उस वीडियो दे विच जो मैं सुनिया, मेरे को वट्सअप से किसी परमेश्वर के सेवक ने भेजी सी, मैं तो हैरान रह गया भी इस तरह भी हो सकता है। मेरे मैनू प्रभु यीशु मसीह दे विच आए नू 35 साल हो गए। 1986 भी मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता सी और जो साढ़े गुरुआ को सीख्या, मान योग परमेश्वर के सेवक जो प्रभु को चले गए ने पास्टर करमचंद जी और उन्होंने जो चेले सन पास्टर यूसुफ जी, वो भी प्रभु को चले गए ने और जिड़े उन्होंने नाल सहायक पास्टर एल्डर के तौर पर उन्होंने दिनों में सेवा करते सी। अज सो मान योग बिशप साहब डेविड भारती जी, उन्होंने संपर्क असी रहे हैं 15-20 साल और उन्होंने तो असी सिक्ख्या पाई है, पर यह जिंदगी मैं कदे नहीं वेख्या। सो अज मैं तो सामने मिठाई लेके आया। मिठाई दे विच रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इनू शायद सैंडविच कहते हैं, मिठाई है। सो इनू बर्फी कहते हैं, ठीक है। सो इनू कहते ने पेड़ा, मथुरा का पेड़ा। सो ये बारे तो तुम सुने ही होगा, हर एक बंद की कमजोरी है मिल्क केक है, जिन्होंने कलाकंद भी कह देते हैं। सो शकरपारा भी हो सकते हैं, एक लड्डू भी है, नवा जाए पुरजा है। सो मिठे बहुत है, देख के मुँह से पानी आ जाता है। सो तुसी देखिया कि इहदा नाम शायद जसपाल राणा करके है, सुखपाल राणा है, सॉरी मेरे तो गलत नाम लेता गया। सो वधिया परमेश्वर के सेवक ने, बड़ी मशहूरी इन्हां दी, मैं कोई इन्हां दे खिलाफ नहीं हैगा, मैं तो गलत सिक्ख्या के खिलाफ हाँ, गलत सिक्ख्या के खिलाफ हाँ मैं, क्योंकि अजकल उन्हां यीशु मसीह नूं लोग पसंद करदे जिन्ना लोग परमेश्वर के सेवकों नूं पसंद करदे, क्योंकि परमेश्वर के सेवक मेहनत करते हैं। साढ़े तो इधर बठिंडे के बड़ा रवाज है 12-12 घंटे वर्त प्रेयर, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी कई बार लोगों वास्ते मेहनत करते हैं। जो इन्नी मेहनत करते हैं लोग सानू पसंद करते हैं, साढ़े फॉलोवर हो जाते हैं, ठीक है। और जो असं कहने उमें करते हैं, उमें सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार तो लोग संतों की रीस करते हैं, क्योंकि बाइबल च लिखा है तुम अपने आगुआं नूं चेते रखो, इबरानियों के खाजो 13 अध्याय पढ़ते हैं, और उन्होंने रीस करो किवें संत बहिंदे ने पलाथी मार के उवें बहिंदे ने, किवें संत खांदे ने उवें खांदे ने, किवें संत बोलदे ने उवें बोलदे ने। कई लोग तो जिवें बाल संत रखते उवें रख भी लैंदे ने,
ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਿੰਨ ਬਾਈਬਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਆ ਚੌਥੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 13 ਅਧਿਆਏ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਰਕਤ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮਤੀ 23 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 26 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ,
आख्या ये मेरा शरीर है जो तुहाडे पापां दी माफी लई तड़ाया जाएगा। फिर उन्हें प्याला लेता दाख रस, शुक्र करके अपने चेलों दिता तुसी इहदे विचों पियो, ये तुहाडे पापां दी माफी लई बहाया जाएगा। नहीं तो फिर उन्हें कोई ना कोई मिठाई लैनी सी, जिवें अज मैं लई बैठा, जिवें राणा साहब ने भविष्यवाणी की है भी लो जी अज मैं तुहानूं एक रसगुल्ला दिंदा हाँ, तुसीं सारे तोड़ के दे विचो खाओ, मिठाई दिंदा हाँ। हो सकदा रसगुल्ला किसी नूं पसंद ना होवे, वो आखे संत जी गुलाब जामुन लैके आओ, हो सकदा है गुलाब जामुन भी नाल रखे प्रभु यीशु मसीह, चलो हो सकदा कहिंदे नूं गुलाब जामुन ना पसंद होवे, शुगर शकर होवे है, वो आखे जी बर्फी बहुत वधिया, उन्हें वैसे मिठाई का पीस आख्या, बर्फी हो सकती है ना, महंगी भी है वधिया भी लगती है, हो सकता है मथुरा का पेड़ा पसंद होवे है ना, लड्डू तो अजकल मिल ही जाते हैं, मिठी बहुत है। हाँ शर्म आती है, मैं इन्ने पास्टर नूं वीडियो शेयर की तो सब ने वापस पता मैं कि भेजा रोण वाली ना कार्टून जी भेजते, मैं भी अफसोस है बहुत माड़ी गल है, रोण वाले कार्टून जी भेजे, एक बंद ने भी नहीं आख्या भी यार बहुत वधिया गल है, आपां भी चर्च चैत की इस तरह प्रभु भोज करें करांगे, इहनूं कहिंदे नवीं सिख्या। जी करदा खा लां पर मैं वीडियो बनाउणी है बाद च खाऊंगा, अज मैं लैके आया बाजार च सारी चीज़ां, तुसीं जो पसंद होवे चमचम दा बनाया हुआ इतकी प्रभु भोज, सैंडविच बहुत वधिया, हाँ 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 क्या बात है, बिच विचाले भरिया होया खोआ आसे पास सैंडविच है, खा के वेख बहुत नज़ारा है, बाद च खाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लैती शुक्र करके तोड़ी, मैं तो 35 साल हो गए साढ़े गुरुआ ने यही आख्या, मैं बहुत सारे मीटिंगा च गया बड़े बड़े जगह पर मैं जाने का मौका मिले, उदे विच रोटी हुंदी है वो हुंदी है ये ना पैक पैकेट जिहे हुंदे चिट्टे चिट्टे निक्के निक्के, पर उन्हें रोटी कहते हैं, उस अंग्रेज आपके हिसाब की रोटी होवे, केरला च उन्होंने हिसाब की रोटी होवे, पर कहते रोटी है, ऐ किसी ने नहीं आख्या भी ऐतकी मिठाई ना करांगे। ये भी एक जो सिक्ख्या देनी है किसी को तो ये यह सो हो सकता, जिवें पहला करंथियां 5 दे उहदी 20 आयत विच लिखिया भी आओ असीं परब मनाईए खमीरी रोटी का नहीं सगों पतीरी रोटी का, खमीरी रोटी रात की होंगी है, जिवें डब रोटी लै लेंदे वह बेही होंगी है, खमीरी होंगी पतीरी नहीं होंगी, यीशु मसीह नूं ये नहीं भी मार के रखता हो दूजे दिन उन्हें कोड़े मारे हो ना, वह पतीरा पतीरा सी ताज़ा हाय हाय करता ठीक है ना, वो खून बहता सी ताज़ा सी, ताई उन्हें आख्या खमीरी रोटी नहीं पतीरी रोटी, साडे तो गुरुआ ने शुरू के ही ताजी रोटी असी बनाने हैं, और दाखा लैके संगत थोड़ी सी पहला घट लै लेंदे सी, जो ज़्यादा है वध लै लेंदे दाखा, उन्होंने चंगी तरह उबाल के उन्होंने मिक्स करके और कपड़े विच छाननी विच उन्हों चंगी तरह निचोड़ लेंगे, निचोड़ के और वो ताज़ा बना के रखे, और उही जो भी दाख रस दिता वो दाखा का रस बना लें, हूँ एड्डा व्डा साढ़े को सिस्टम नहीं भी अंगूरों का बाग ला लीए है ना, चलो आ भी पुराना सराणा ही होंगे वधिया नहीं होंगे, अच तो साढ़े गुरुओं तो यही सीखा 35 साल हो गए यही करते आए हैं, तो मैंने किसी ने टोकया भी नहीं, कहे बहुत सारे ज़्यादा परसेंट लोग जो वोटा पवा लीए असी तो इस तरह ही करते हैं, मतलब 95-98% लोग इस तरह करते हैं, वोटा पा के वेख लियो भी किस तरह करते हैं, एक तो घर होंगे सारा कुछ सौखा हो जाता है, एक बाइबल से लिखा पूरा हो जाता है। अच्छा दूजी गल ये जड़ा ये रीत है जो पहला ग्रंथियां असं पढ़ते हैं 11 ते उस पलूस कहता मैं तो धन्यवाद करता हाँ जो तुम मैनू चेते रखते हो,
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਪਲੂਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਲੂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਲੂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜੋ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 35 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆਇਆ ਮਰੀਮ ਕੋਲ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਮ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3:16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5:18 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ। ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 25 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੱਲੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ,
ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਕਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ, ਕਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਬਰਫੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਡੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੌਬਾ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ 15 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਜੋ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਯਸੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਸੂ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, 35 ਦਿਨ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਸੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਯਸੂ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਤਮਾ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੰਥੀਆਂ 11 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 30 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਸੂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਤੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਕਿ ਬਰਫੀ, ਉਸਦਾ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕੰਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਲਾਕੰਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਪੀਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਉਂ ਤਾਉਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡ ਦੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਦੋ ਕਦਾਣੇ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪੱਕਾ, ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਊ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਗਲਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ 18 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 18-19 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰੇ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਟੌਂਦੜੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇਹ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਰਫੀਆਂ ਮਠਿਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਰੋਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਟਿੱਠਦੇ ਹੈ, ਐ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹੈ,
39 कोड़े खाधे, हत्थां पैरां च किले ठका ले, सिर ते कंडियां दा ताज पवा लिया। तू प्रभु जी अपने दाढ़ी पटा ली प्रभु जी, तेरे मुँह ते थुकया गया प्रभु जी, तेरे बखी विच भला मारिया गया प्रभु जी, तेरे सिर ते कंडियां दा ताज पाया गया प्रभु जी, तेरा सारा खून जालमां ने निचोड़ लिया, सिर्फ तेरा खून मैनू सारे पापां तों शुद्ध कर दिया। ते असीं कहने उहदा खून बच्चे दिंदा है, उहदा खून आशीष दिंदा है, उहदा खून बरकत दिंदा है। जे बरकतां दा प्रचार करना है भरावा, तां व्यवस्था 28 दे विच लिखिआ है, उत्थे लिखिआ है जे उहदे विच चलांगे तां बरकतां है, जो तो मुकर जावांगे तां सराप है। पढ़ के वेखी वो वचन सुनाओ, वड बिठा के सुनाओ। यीशु मसीह का खून सानू बरकत नहीं दिंदा, वो तो सानू उहदी मौत याद कराउंदा है, देखे कितने लोग फस जाण। बहुत दूर हो तुसी परमेश्वर के वचन तो, रोना आउंदा है। जिन्हें नूं भेजी सब ने रोने जे मूँह बना के मेरे भेजे भी, हाए हाए किन्ने दूर है। इन्ने तो साज बाज लियाउंदे हो, इन्नियां ढोलकियां बाज लियाउंदे, एडा महंगा कलाकार भी रखे हुए है। कोई सलाहकार रख लो वधिया, बाइबल पढ़न वाला बंदा। गरीब बथेरे है गए जिन्होंने बाइबल दो तीन चार 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 बारी पढ़ी है, जिन्होंने बहुत ज्ञान है, उन्होंने तो सुन लिया करो। सिख सलाहकार राजे माजे महाराजे भी रख लेंगे, तुम भी रख लो, उन्होंने दे दया करो 4 रुपये किसी को, मेरे वर्गे को किसी को दे दया करो है। अनेता लोग भी जो अपने रैलियां से करते हैं प्रचार, उन्होंने आप तो थोड़ा होंगे, लिख लिख आ लेंगे किसी तो बोली आते, तुम भी इस तरह कर लिया करो। किहड़ा आत्मा सानू कह गया? आत्मा तो 2000 साल पहला कह गया, सारा कुछ सानू पूरा करके दे के गया। क्यों साडे प्रभु का जलूस कढ़ाया? मैं तेरे नाल कोई गिला नहीं, गलत सिक्ख्या नाल किन्ने तैनू फॉलो करते होणगे ते किन्ने गलत राह ते पै जाणगे। प्रकाश की पोथी विच लिखे है, लास्ट दे विच तेरे वर्गियां वास्ते लिखे है, कहिंदा जे चो घटावे ना उहदा जीवन दी नगरी चो हिस्सा घटाया जाएगा, जो वधावे जिन्नियां च बीमारियां उत्ते पैणगियां। बर्फी सानू पहले दे के जाता यीशु मसीह, जे सिक्ख्या ही देनी है थोड़ा प्रभु भोज बारे, बहुत कुछ है प्रभु भोज बारे, बड़ी गहराई है प्रभु भोज बारे। मेरे तो पूछ लिए 93560 1486 मेरा नंबर है, कोई मेरे नंबर डाउन नहीं होंगे ना तेरे नंबर, जो आप कहीं तो सीख लाँगे ना। पहला करंथियां 4:6 आयत है, उस लिखा यह जहाँ कोई बंदा नहीं जिन्हें किसी तो कुछ ना लेता हो, असं एक दूजे तो सीखते हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं कोई उत्थों स्वर्ग चो नहीं आया, सारा कुछ सीख के बाइबल पढ़ी है, मत्था मारिया, चौथी बाइबल है मेरी हूँ 35 साल, हजे भी पढ़ता मैं रोज़, रब तो डरते रही थे है, निके निके सेवका तो भी डरते रही थे, कोई सिखावे सीख ली है। हम पुलिस ने की आख्या, कहना जदों कितें तुसी कट्ठे होवो, प्रभु ने उस रात फड़ाया गया, उस रात रोटी लेती शुक्र करके तोड़ी, जो प्रभु तो गलती हो गई। पुलिस कहना मैं गल प्रभु तो पाई है, आत्मा तो पाई है, ऐ कहना से उन्हें, क्योंकि प्रभु आत्मा है ना, आत्मा मरी में आया से आत्मा तो ऐ कह सकते हैं, आत्मा तो पाई है। रोटी लेती शुक्र करके तोड़ी, अपने चेलिया ने दी, आख्या मेरा शरीर है थोड़े पापा की माफी लेकर आया जाएगा। और प्याला लेता शुक्र करके अपने चेले ने दिता, ये मेरा खून है जो थोड़े पापा की माफी लिए बहाया जाएगा। अगे उन्हें जिड़ी गल आत्मा तो पाई सी, जिड़ी अधूरी रह गई सी, उन्हें पुलिस ने पूरी करती। पता की आख्या? कहना जदों कदे तुसीं रोटी नूं खाओ ते प्याले नूं पीओ कि अपने आप को परखो, आ क्यों नहीं सिखाया? जैसे अपने आप को परखिए ना, असं डंड ला के खाने हैं। कहना बाले साडे विच इसे करके नताने ते कमजोर ते सुते पए ने, रोगी भी ने, संगतां च आउंदे ने कई लोग, तां ना महीना आउंदे नहीं। एक मैं गीत बनाया सीगा, महीने बाद आके शहरवानी विच बहना है, अपने तू आप नू रूहानी बड़ा कहना है, महीने विच आके शहरवानी विच बहना है।
ठीक है, वो मेरे पूरा याद नहीं। कई लोग महीने बाद आके बहनते ने कि महीना पाप करी जाओ, जो मर्जी करो, तो संत करार कराओगे, वो द्वार प्रभु भोज ला के फिर पवित्र हो जाओ। मैं तो बथेरे धर्म करते हैं, महीने बाद नहा के पवित्र हो जाते हैं, फिर वही साढ़े प्रभु ने तो एको बार अपसियां के खत में लिखा है, जो दो दी 13 तो लैके 20 तक पढ़ते हैं, एको बार सलीब उत्ते चढ़िया और सारा कुछ पूरा करके संभाल के पिता के सज्जे पासे जा बैठा। उन्हें अधूरा काम कोई छेड़े ही नहीं, दस कि अधूरा छेड़िया नहीं, चेले तैयार किए, उन्होंने वचन दिता, सानू भी उन्होंने वचन दिता, पहुँचता पहुँचता इतने तक आ गया, रोटी बदलनी होंगी, वो मिठाई बननी होती, हूँ बन जाती, चलो मान लें उस तो गलती हो गई। गां चेलिया ने जी नवी संघ शुरू की, उन्होंने क्या आख्या, जो 3,000 लोगों ने तौबा की थी, लिखा घरों घर ही करते थे, रोटी तोड़ते कि मिठाई बांटते, घरों घर रोटी तोड़ते, रसूलों की सिक्ख्या लेंदे, रोटी तोड़ने विच और संगति करने लगे रहे। ये प्रभु भोज कितों शुरू होया, होर गहराई बथेरी है। इस शुरू होया मिस्र चो, जो कूच की किताब 12 दे पढ़ते हैं ना, तो उत्थे प्रभु यस खुद परमेश्वर मूसा दे राही उन्होंने बाहर कढ़ के लेके आया। जो लास्ट दिन असी जिदे पलौठे मारे 10 बड़े चमत्कार किए, तो उन्होंने आख्या भी लीला लेना है जां बकरा लेना है, जो छोटा परिवार हो तो 2 परिवार वाले, जो बड़ा हो एक चल जाओ, तो उन्होंने मार के चगाठा उत्ते खून लाना है, तो उन्होंने पसाह का लीला आख्या जाता सी, पसाह का परब आख्या जाता सी, जिहड़ा प्रभु भोज बच बदल गया। जदों उन्होंने लैके आया फिर हर एक यहूदी के लिए यह जरूरी हो गया सी, जिथे मर्जी रहे पर उन्होंने साल से एक बार यरूशलम में आना पैंदा सी परब मनाने वास्ते। यीशु मसीह ने 3.5 साल प्रचार किया, सारे ये गल कहते हैं पर बाइबल च कहते नहीं लिखिया। यूहन्ना दी अंजील दे विच जिन्ने बारी प्रभु यीशु मसीह आया, एक बार लिखा अद्धे दिन बीत गए सीगे, तो उह तो 3.5 साल बनते हैं भी 3.5 साल बारी यरूशलम च आया, बाकी आसे पासे रहिंदा सी। ताहे तां जदों मती दी अंजील 26 दे आए उहदी 17 ते पढ़ते हैं, तो चेले कहिंदे प्रभु जी तू कित्थे चाहुंदा असीं तेरे लई परब तैयार करिए, उही परब। तो संत यूहन्ना ने तो पहले उहदे बारे लिखता सी, 1:29 ते पढ़ते हैं कि वेखो परमेश्वर का मेमणा जिहड़ा जगत का पाप चुक लै जांदा, ठीक है। फिर यीशु मसीह ने रोटी लेती, कहता वो परब वो मेमना मैं हाँ, जो उन्होंने जील च लिखा नहीं, जो 6 दे लंगर किया फिर भालते फिरते रहे, फिर उस तो बाद सारे भज गए, जो उन्हें आख्या वो जिंदगी की रोटी मैं हाँ, जिहड़ा मेरा खून नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, कि मेरा लड्डू नहीं खाता, मेरी बर्फी नहीं खाता, बंदे च की होंगे बर्फी होंगी है, क्यों यार मजाक बनाया हुआ, कहते जो मैनू नहीं खाता, उ रोटी लेती उन्हें, जो दी 6:24 हथ पढ़ते ना लिखे उन्हें, पहला 24 च लिखा कहिंदा तुसी मैनू इस करके नहीं भालदे भी तुसी चमत्कार वेखे ते निचा करो, तुसी इस करके भालदे तुहानू दुबारे भुख लगे, क्योंकि 6 दा शुरू च रोटी 5,000 लोगों ने रजाया सीगा, बंदियां नू बुढ़िया बंदे तो अलग सीगे बच्चे तो है। फिर जदों उस 15 दे विच लिखिया उन्होंने और राजा बनाने फिरते भी यह जहाँ राजा हो गया, अच्छा लोगों का हिसाब किताब यह जी है, बरकत के भुखे है, तू भी बरकत जोड़ती है, बरकत मिलेगी है ना, आप बथेरे बरकत पिछले तुरे फिर इधर उधर तुरे फिरते, जिंदगी लाने कोई नहीं आता। फिर जो 24 दिन चले गया तो इस करके ना जिंदगी भालते फिरते, तुम दुबारे भुख लगे, उस भोजन लिए मेहनत ना करो जिहड़ा नाश हो जाता है, उस भोजन लिए मेहनत करो जिहड़ा सदीपक काल तक रहिंदा है। आ तो बर्फियां रसगुल्ले तो खत्म होने वाले है, कहिंदा जिंदगी दी रोटी मैं 34 च लिखा जिंदगी दी रोटी मैं हाँ, जिहड़े नूं खांदा कदे नूं भुख नहीं लगती, आ तां रसगुल्ले खा के फिर भुख लगेगी, कहिंदा मैनू खाओ, कहिंदा ये रोटी मैं हाँ जिहड़ा मैनू खांदा उहनूं कदे भुख नहीं लगती। फिर उहदी 49, 52, 52, 53, 54 दे विच लिखिआ कहिंदा जिहड़ा मैनू नहीं खांदा ते मेरा खून नहीं पीता उहदे च जीवन नहीं हैगा। 60 च लिखिआ उहदे चेलिआं ने ठोकर खाधी,
छियाठ लिखा सारे पिछा हट गए, 12 रह गए, 12 च भी एक डाउन सीगा यहूदा इस्करियोती। तां यीशु मसीह ने पतरस नूं पुछया कि तुसी भी जाना चाहुंदे हो, तां पतरस कहिंदा प्रभु जी जिंदगी दीआं गल्लां तां तेरे कोल आ, तैनूं छड्ड के कित्थे जाइए, कित्थे जावां तैनूं छड्ड के। सो इस करके प्रभु भोज की बहुत वड्डी गहराई है। जदों अब्राहम नूं पहली बार मिलिया मलकीसेदक, तां लिखिआ उहदे वास्ते रोटी ते मद लै के आया, ताकरस लै के आया, मैं लै के आया। उन्हें उन्होंने आशीष दी, उन्हें अपने चीज़ों का दसवंध दिता। जिहड़ा सानू प्रभु भोज दिंदा संत, जिहड़ा साडे वास्ते मेहनत करदा, पहला जो असीं तसलुनकिया पढ़ते ना एक दी 5:12 उस जगह, जिहड़े मेहनत करन विच तुहाडे संत ने तुहानू चेतारदे ने, उन्हां दे काम की खातर उन्हां दा बहुत आदर करो। सानू उन्हां नूं दान दसवंध भी दसवंध उन्हूं देना चाहिए। ये शरह च नहीं आता दसवंध, दसवंध शरह बनी नहीं सी उदों दा। कई लोग कहते हैं शो सरापत है जो दसवंध दिता, वो सरापत जो दसवंध लेंदा, सब झूठ मारते हैं। अजक आ मूसा की गद्दी उत्ते नहीं बैठे लोग, अजक नैट उत्ते बैठे जिन्हें को कलीसिया नहीं है। जो लोग ना योजे लोग अपने ना गुरुआ को भज के लैके 200 की बाइबल तो अड चर्च खोल के बह जाते हैं। जे गुरुआ का हथ सिर पर हो गलत प्रचार ना कर रहे। 15 साल असं अपने गुरुआ रहे हैं, अज भी असं अपने गुरुआ का आदर कर रहे हैं। है ला के 6 महीने तो अगला कहना यार गुरु को वाहवा दान दून आ, चक दे फटे लैके तो बाइबल से ड्रामा लग जाते हैं। कारण अजक लोग बरकतों के भुखे ने, जोड़ी मर्जी गल करो है, पर निर्बल मुआबे के फर्क है। वो कहता कोई बीमार हाँ गोल गप्पा खाओ, रसगुल्ला खाओ, है बरकत आजूगी, है तुम अपना नोट रखो परस में बरकत आजूगी। अच्छा ये तो मिठाई वाले की फर्क है, इनू असी कह सकते हैं भी जो रसगुल्ला खाओगे या मिठाई खाओगे तो उन्होंने बरकत आजू कहें ना, ये बच्चे भी होंगे तो अच्छा निर्मल च की फर्क है। असी प्रभु दे सेवक है, वो प्रभु ने सानू अधिकार दिता है, जिहड़ा किसी गुरु ने अपने चेलन नूं अधिकार नहीं दिता। आकाश या धरती का सारा अधिकार मेरे को है। उही पत्रस नूं कहिंदा मैं तैनूं दिंदा हाँ, जो कि तू धरती तो बनेगा स्वर्ग च बजूगा। क्यों पुठियां सीधियां गल्लां करदे, सीधे तरीके नाल क्यों नहीं तुसीं लोकां नूं वचन सुनाउंदे? शर्म करो माड़ी मोटी यार, है मैनू बथेरे कहते तू क्यों बोलता रहना, तू बाला दुखी है। दुखी की गल नहीं, की करा जदों ना लोग वचन गलत करते हैं दिल मच जाता है, सड़ जाता दिल, दुखी हो जाइए। भी यार लोग ना चाम धाम तो इन्ना बना के रखते हैं, है जो निकलते ना ढोल बाजे ना निकलते हैं भी पता नहीं असं की कुछ है, तो पल्ले कख भी नहीं जो बोलते ना स्टेज उत्ते, पल्ले कख भी पता लग जाता किन्ने क पाने च है भी बाइबल के गलत बोली जाते हैं। इस करके अपने आप को ठीक करो, जिहड़ियां प्रभु ने रीतां दित्तियां ने सानू उन्हां नूं ना बदलो। मैनूं 35 साल हो गए मैं नहीं कदे वेख्या इहो कुछ, जी तां तुहाडे ते बीमारियां पैणगियां, तुहाडा स्वर्ग की नजरी नगरी च हिस्सा घटाया जाऊ सी, ये बाइबल कहती है। ठीक है ना, अपने आप को ठीक करो, नवा फाना ना लाओ, तुसीं नवीं सिक्ख्या ना दिओ। तुसीं ये बाइबल दे विच बहुत कुछ लिखा है, इहदी सिक्ख्या दे विच बरकतां भी लिखियां ने, इहदे च सारा कुछ लिखिया होया। जे मनोगे तो बरकत, जो मुकरोंगे तो थोड़े तो श्राप आने, व्यवस्था सारा 28 28 लिखा हो। इस करके सारा जयम सिंह।